वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं डिटेल रिव्यू करने वाली हूँ ये बेबी हग ब्रांड के स्ट्रोलर का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये स्ट्रोलर को परचेज़ किया था मैंने फर्स्ट क्राई ऑनलाइन ऐप से, बट आप जाके स्टोर पे भी चेक कर सकते हो। इसका MRP है 4,795 रुपीज़, बट मुझे 50% ऑफ में मिला था, तो इंक्लूडिंग GST ये कुछ मुझे 2,600 के आसपास पड़ा था। मैंने जो स्ट्रोलर परचेज़ किया है वो नेवी ब्लू कलर में है, बट इसमें टोटल 7 कलर्स एंड पैटर्न्स अवेलेबल है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कौन सा एज ग्रुप इसको यूज़ कर सकता है। तो 0 मंथ बेबी से लेकर 3 ईयर बेबी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका कैरिंग कैपेसिटी है 25 kg, बट मैंने एक ब्राइट रेड कलर में यही टाइप का स्ट्रोलर देखा था जिसकी कैपेसिटी थी 20 kg। तो परचेस करने से पहले आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर देना। तो ये जो देख रहे हो वो है स्ट्रोलर का फोल्ड करने के बाद फ्रंट साइड। एंड ये है फोल्ड करने के बाद स्ट्रोलर का बैक साइड। तो अभी इसको अनफोल्ड कैसे करते हैं, तो बस अनफोल्ड करने के लिए आपको ओपन करना रहेगा एंड साइड में एक हुक जैसा रहेगा, बस उसको लगा देना है। ये हुक है जिसको आपको बस लगा देना है। तो अभी ये रेडी है यूज करने के लिए। अभी इस स्ट्रोलर पे कौन कौन से फीचर्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो इसके जो फ्रंट व्हील है वो 360 डिग्री में मूव होते हैं। जब मैंने नया नया परचेज किया था तब ये इतने इजीली मूव नहीं होते थे, थोड़ा सा हार्ड था मूव करने के लिए, बट आफ्टर 2-3 टाइम यूज करने के बाद ये इजीली मूव होते हैं। नेक्स्ट फीचर ये है कि आगे के व्हील्स एंड पीछे के व्हील्स दोनों पे लॉक दिया है, तो इससे क्या होगा, व्हील्स लॉक हो जाएंगे और मूव नहीं होगी, तो बेसिकली ये ब्रेक जैसे काम करेगा। तो ये हमने पीछे के व्हील्स लॉक कर दिए हैं। अभी सेम वैसे ही हम जो रेड कलर का दिया है उसको बस नीचे करना है, उसकी हेल्प से ये व्हील्स लॉक हो जाएंगे। तभी आप देख सकते हो लॉक करने के बाद व्हील्स मूव नहीं होंगे। तभी इसको अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक करने के लिए जो रेड कलर का दिया है बस आपको उसको ऊपर की ओर करना है, तो अभी ये व्हील्स मूव होने लगेंगे। ये जो देख रहे हैं वो स्टोरेज है, बटन्स दिए इस पर, तो बटन्स की हेल्प से आपको स्ट्रोलर के नीचे के हिस्से में इसको लगा देना है। बहुत इजी है इसको लगाना। तो ये स्टोरेज पे आप बेबी के टॉयज या कोई नेसेसरी आइटम्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये स्टोरेज को आप रिवर्स भी कर सकते हो। अगर रिवर्स यूज़ करना है आपको तो बस यहाँ पर एक वायर जैसा दिया है उसको पुल करना है और इस हैंडल को आगे की ओर ले जाना है, और वही हैंडल पे एक लॉक जैसा हुक जैसा दिया है उसको बस लॉक कर देना है। तो ये स्ट्रोलर को आप रिवर्स भी यूज कर सकते हो। वीडियो में मैंने दिखाया ये कैसे करना है। तो ये स्ट्रोलर की बैक साइड पे एक छोटा सा पॉकेट दिया है जिसके अंदर आप मोबाइल या वॉलेट ऐसे सब चीजें रख सकते हो। तो अभी जो दिखा रही हूँ वो कैनोपी है। ये कैनोपी को आप 3 वे से एडजस्ट कर सकते हो, वेदर के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो।
तो यही कैनोपी पे एक छोटा सा विंडो दिया है, तो आप जब स्ट्रोलिंग कर रहे हो तब आप बेबी पे इसे नजर रख सकते हो। तो अभी बात करते हैं फ्रंट साइड की। ये जो देख रहे हो वो सीट है, इसके अंदर कुशन मटेरियल है, तो इसके पीछे एक इलास्टिक दिया है, तो आप जब चाहो इसको लगा सकते हो और क्लीन करने के लिए आप इजीली रिमूव कर सकते हो। ये जो देख रहे हो वो सेफ्टी हार्नेस के लिए है। अच्छा लॉक सिस्टम दिया है। तो अभी ये हार्नेस रेडी है, इसके बीच में बेबी को बिठा देना है। इससे क्या होगा, बेबी स्ट्रोलर से गिरेगा नहीं। अभी जो दिखा रही हूँ वो सीट की पोजीशन चेंज करने के लिए है। पीछे एक वायर जैसा बना है, उसको आपको बस पुल करना है, खींचना है उसको, और उसको नीचे करने पे ये स्लीपिंग पोजीशन हो गई। बेबी 6 मंथ से छोटा है तो स्लीपिंग पोजीशन कर सकते हो आप ऐसे। ये है रेस्ट पोजीशन। और अभी जो दिखा रही हूँ वो नॉर्मल सीटिंग पोजीशन। अभी ये जो है वो फुट रेस्ट है, इसको टू वे से आप सेट कर सकते हो। एक तो ऐसे स्ट्रेट रख सकते हो, नीचे इसके नीचे वायर जैसा दिया है पर उसको लगा देना है। अभी दिखा रही हूँ मैं इसको फोल्ड कैसे करते हो। जैसे अनफोल्ड किया था वहां पर एक हुक था, बस उसको ऊपर की ओर निकाल देना है और फिर स्ट्रोलर को क्लोज कर देना है। और ये जो रेड कलर का हुक है उसको बस लगा देना है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो लग नहीं रहा है ये। ये स्ट्रोलर की दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट जो है वो रेड कलर का जो लॉक है वो ठीक से नहीं बैठ रहा है, और सेकंड जैसे मैंने बताया इसके व्हील्स स्टार्टिंग में स्मूथ नहीं थे, बट यूज़ करने के बाद इसके व्हील्स स्मूथ हो गए। मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेबी हग ब्रांड से परचेज की है। अगर आप फर्स्ट क्रैप पे देखोगे ना तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको बेबी हग ब्रांड से मिल जाएंगी। बेबी हग ब्रांड की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रहती है। अगर आपको ये स्ट्रोलर 3 साढ़े 3 हज़ार में मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट अगर आप MRP पे लेने वाले हो तो आप दूसरे ऑप्शन भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। एंड अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। तो यही था मेरा डिटेल रिव्यू वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।